अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं और आप सबके साथ जो है वो नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेला पार्टी है ये, जो कि स्कूल वालों की तरफ से अरेंज की गई थी। एक स्टॉल था उनका, जहाँ पर उन्होंने भटूरे वगैरह लगाए थे, तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स वगैरह को दावत दी थी कि आप लोग भी शामिल हुए इस जो है वो पार्टी में। तो ये मेला एक टाइप मेला है और ईद भी सेलिब्रेट की जा रही है। इधर काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हमने कोशिश की कि हम शाम ढलने पर ही यहाँ पर विज़िट करें। तो आप मेरी वीडियो को जो है वो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी व्यूवर्स, आपको थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद जो है वो बारी आ गई है ब्राइड्स की। तो यहाँ पर लोकल झूले जो है वो लगे हुए थे, उनका काफ़ी शोर था, और बच्चे जब झूले देख लें तो आपको पता है कि वो पीछे नहीं हटते और वो कहते हैं कि हमें एक एक झूला हमें जी लेकर दें। तो पहले सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो सैफला से हुई, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। उसके साथ मैंने कुछ बातें भी की थी, बट इतने शोर में तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोल क्या रही हूँ और सैफला ने कहाँ सुनना था। कुछ बातें सुनी भी और कुछ पे जो है वो अपने मस्त था झूले में, काफ़ी मज़ा लिया बच्चों ने और काफ़ी जो है वो इन्जॉय किया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल पर अगर आते हैं तो हमारी वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें, क्योंकि आपके साथ हम ये वीडियो बहुत दिल से बनाते हैं और बहुत दिल से जो है वो शेयर करते हैं। और जाहिर बात है, एक हाउस वाइफ और एक मदर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ये आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आपको बताने की ज़रूरत बार बार नहीं है कि आप लोग हमें ये समझें कि हम लोग फारिग हैं या हमें और कोई काम नहीं है। तो लेकिन आपके लिए, हम इंटरटेन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए बच्चे कितना मज़ा ले रहे हैं और कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे मौसम में इस तरह की इंजॉयमेंट होनी चाहिए। तो ये शाम थोड़ी ढली तो थोड़ा सा जो धूप का सेक वगैरह कम हुआ, तो मैं बच्चों को लेकर जो है वो यहाँ पर आ गई थी। बीबी बिरा भी मेरे साथ थी, तो आप आगे देखेंगे कि वो भी अपनी राइड वगैरह कैसे इंजॉय कर रही हैं। तो उनको जो है वो बच्चे भी, अपने एज फेलो भी मिल गए थे, अपने फ्रेंड्स मिल गई थी स्कूल की भी, और जो है वो ट्यूशन की भी मिल गई थी। तो बच्चियाँ वहाँ पर इंजॉय करने लग गई। तो यहाँ पर सैफला चूँकि गिला था और यहाँ पर इसका कोई फ्रेंड वगैरह नहीं था, तो सैफला ने खुद ही मेरे साथ ही इंजॉय किया। अच्छा, इतना घूमने वाला झूला देखते देखते जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे यकीनन चक्कर आ रहे हैं, तो आई होप आपको भी आ रहे होंगे। तो इग्नोर कीजिएगा और जो वीडियो को है वो इंजॉय कीजिएगा। ध्यान से, हाय डर गए, चल देंगे बस पैसे पूरे बच बस पैसे पूरे मेरे 500 रुपए हैं। तूने 500 रुपए? अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ पर बारी आई है सेकंड राइड की, तो यहाँ पे गोल वाला झूला जो है वो बीबी बिरा ने देख लिया है, और सैफला जो है वो मेरे से कुछ और फरमाइश कर रहे हैं। ये सैफला को ना डर लग रहा है जंपिंग से, तो नहीं ले रहा। शूज़ पहनो, चलो मैं आपको करवाती हूँ। उठो उठो उठो, नहीं लेना, चलो फिर शूज़ पहन लो, चलो शूज़ पहनो, पाउंड डालो बीच में। अरे जंपिंग करने के लिए आए हो आप, जाओ ऊपर सीधे चढ़ के जाओ ऊपर, फिर ऊपर से स्लाइड लेके आओ ना। तो इधर आओ, इधर सामने आओ, इधर सामने आओ, अब करो जंपिंग, अब करो जंपिंग।
छोटे से बच्चे हो ना तुम, हैं? छोटे से बच्चे हो ना, चलो ऊपर जाओ, ऊपर से स्लाइड लेके आओ ना, कोई देखो देखो बड़ा मजा आता है, जाओ जाओ। आ जाओ उधर से, आओ उधर से, उधर से आओ, उधर से, उधर से आओ, बड़े आसानी से आओगे उधर से। लो ये क्या, वापस उधर से, बेवकूफ लल्लू। यार ये दो बच्चे एक में ठहरना, अभी वो कहते हैं वो पहले वो देखो भाई कैसे ऊपर जा रहे हैं, वहां से फिर आएगा वो, देखो भाई फिर वहां से आएगा, जाओ आप भी जाओ उसके साथ। जी हाथ पीछे करो जी बेटा, ये खाते पीते क्या है, ये हवा खाते हैं, ये हवा पीते हैं, इनके मालिक सब कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। बहुत बड़ा बैठी है, बस बीरा को जो है वो मेरी तरह बैठने का भी शौक है ऐसे झूलों में, लेकिन इसका दिल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आई है इनके दूसरे झूले की बाड़ी, सैफुला के थर्ड झूले की बाड़ी और बीबी बीरा के सेकंड झूले की बाड़ी आई है, तो इन्होंने ये वाली राइड पसंद की और अब ये लोग इंजॉय करने लगे हैं। बीबी और सैफ जो है वो एक साथ बैठ गए हैं, जबकि बीरा एज यूजुअल अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही है। तो आई होप आपको भी ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी, तो चलें गिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो ऐसा है कि आपके साथ मैं साथ साथ दूसरे लिंक्स भी शेयर कर रही हूँ अपने फेसबुक, इंस्टा और साथ ट्विटर, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, इन सब की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर भी विज़िट कीजिएगा और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर अब राइड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, अब निका थोड़ा सा मेले का भी तो विज़िट करें कि यहाँ पर शॉप्स वगैरह किस चीज़ की बनी है, तो लोकल शॉप्स इन्होंने यहाँ पर बना रखी थी और हर एक चीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो है वो सजा रखी थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर चीज़ें थी, हिजाब थे और कैप्स थी, बैग्स थे, हर तरह की वैरायटी थी। मुझे बैग जो है अच्छे भी लगे और मैंने इनकी रेट्स भी पता किए, लेकिन रेट्स भी हाई थे क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी थी बैग्स की और हर तरह से जो है वो अच्छी चीज़ थी। क्या प्राइस है इसके? 1800 है, जितने हैं 1800 है इसके। छोड़ घूमता नहीं है ये? नहीं नीचे वाला नहीं घूमता, ऊपर वाला घूमता। इनकी 1300 1300 1300 1200 1800 1800 1800 इसी तरह ये 1200, ये
भी 1800। स्ट्रॉलर है ये कि क्या है? ये शर्ट्स है, अनस्टिच। जी यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी और साथ साथ लेसेस भी थी, और आप वहाँ से कप सूट लीजिए और साथ लेस वगैरह लेके तो आप घर में जाइए। और मेकअप भी बहुत शानदार यहाँ पर था, और हर दूसरा स्टॉल जो है वो छोड़ के इसी स्टॉल पे मेकअप लगा हुआ था। पता नहीं औरतें मेकअप खाती भी हैं शायद, और यहाँ पर गोलगप्पे नज़र आ गए बच्चों को, तो बस फिर बच्चे उन्हें कहाँ छोड़ने थे, और उनकी तो बूम बूम हो गई, और फिर बच्चों को गोलगप्पे खिलाए। और साथ ही साथ गोल गप्पों के साथ मैंने उनको बोला कि अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब हुई ना तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है, अभी तो खा लो गोल गप्पे। मैंने नहीं खाए, तो मैं घर से चाय वगैरह पीकर आई थी, तो मेरा दिल नहीं किया गोल गप्पे खाने को, तो मैंने अपने बच्चों को दोनों को गोल गप्पे खिला दिए जो कि इनको बहुत पसंद है। और बीबी का तो कहते हैं ना कि माइंड सेट होता है कि मम्मा मैंने बाहर जाके गोल गप्पे ज़रूर खाने, तो अच्छे इन्होंने गोल गप्पे भी बनाए हुए थे, और मीठा खट्टा इसका काफ़ी अच्छा था, देख के मुँह में पानी आ रहा था। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बच्चे किसी तरह भी राजी नहीं होते, मुंह में नहीं डालो। आप खाओ जी। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबको भी बहुत ढेर सारी दुआएँ हैं मेरी तरफ से। खुश रहें, आबाद रहें, और अपने बच्चों को ऐसे ही हंसते खिलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।